दोस्तों अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से। दोस्तों आपको बता दें, जब से संतोष रानी यादव जेल के सलाखों के पीछे डले हुए हैं तब से उनकी निगाह है पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जब से सलाखों के पीछे डले हुए हैं तब से उनकी निगाह है पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव पर है। दोस्तों आपको बता दें कि संतोष रानी यादव जेल में जाने के बाद भी टारगेट कर रहे पावर स्टार पवन सिंह का, वहाँ के जो स्थानीय सांसद जो सुशील जी है उनके ऊपर टारगेट कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि यादव समाज भी इनको लगे हुए छुड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर जादू समाज की अब बात नहीं रह गई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी तो जादू है, लेकिन वो क्यों नहीं सोच रहे कि इनको निकाल दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें खेसारी लाल यादव भी इनकी गलतियां देख चुके हैं, और आपको बता दें दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब एक हो चुके हैं और इनको अब जेल से निकालना नामुमकिन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह ने वहाँ के स्थानीय प्रशासन से बात की है और बोले हैं इनको तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक हम लोग नहीं कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तभी इनको निकालेंगे जब ये अपनी गलती की माफी मांग लेंगे पूरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजपूत समाज के साथ साथ तो गाली दिए थे, लेकिन ये माँ सीता को गाली दिए थे। माँ सीता को गाली देने के कारण यहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह और साथ में हमारे ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी इनकी साथ नहीं दे रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब उनके पिता भी, यानी कि खेसारी लाल यादव के पिता भी इनका साथ नहीं देना चाहते हैं। तो क्या आप लोग इनका साथ देना चाहेंगे कि इतने बड़े घटिया लोगों का हम लोग साथ दे तो फिर क्या हो सकता है? लेकिन इनको एक बार तो माफ़ करना चाहिए जरूरी। जी हाँ, एक बार जरूर माफ़ करना चाहिए, इनको छोड़ा देना चाहिए। आप लोग का क्या राय है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर देगा। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।